हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं शबाना, वेलकम टू माय गार्डन। ये जो आप देख रहे हो, ये है मेरा अडेनियम के प्लांट। तो जैसे कि अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो ये सारे प्लांट मेरे अभी डोरमेंसी में हैं। जी हाँ, ये अभी सो रहे हैं। तो इनका कंडीशन आप देख रहे हो कि इसके सारे लीव्स झड़ चुके हैं। सारे प्लांट्स के मेरे लीव आप देख सकते हो, सब झड़ चुके हैं। कुछ येलो हैं, जो हैं वो येलो हो रहे हैं, पर फिर भी इसमें बर्ड्स आ रहा है। तो ये आते रहेंगे, विंटर सीजन में जो बर्ड्स आएंगे और जो फ्लावर्स होंगे वो थोड़े अलग होते हैं। मतलब इसमें जो फ्लावर्स आएंगे वो साइज़ में भी छोटे होंगे और इसके कलर भी अच्छे नहीं होते हैं। पर ये हम जो इसको फर्टिलाइजर्स देते थे, वो प्लांट स्टोर करके रखा है, तो ये उसी का इफ़ेक्ट है। जो वो स्टोर करके रखा है वो बाहर वो निकल के ये नज़ारा ला रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि विंटर सीज़न में मैंने इनको क्या ट्रीटमेंट दिया, मैं इनको इनका देखभाल मैं कैसे करी, कैसे इनको मैं संभाल के रखी हूँ, ताकि अब इसका सीज़न आने वाला है। फरवरी इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, तो हम जनवरी लास्ट तक मैं इसका प्रूनिंग रूट इसको बाहर निकालूंगी, इसका रिपोटिंग करूंगी और इसका प्रूनिंग भी करूंगी। आगे आने वाले कुछ दिनों में मैं इन सब को रिपोर्ट करने वाली हूँ, तो उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसको रिपोर्ट करके हम फिर से नेक्स्ट मंथ से इससे हम ग्रोइंग ले सकते हैं। ये ग्रो होना शुरू करेगा, इसमें न्यू शूट्स आएंगे, प्रूनिंग के बाद इसमें न्यू शूट्स आएंगे और इसमें हम फर्टिलाइज़र वगैरह दे के फिर से इसको फ्लावरिंग के लिए तैयार करेंगे। तो कैसे मैंने इनको संभाल के रखा है, बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये प्लांट आप देख रहे हो, इसका जो सॉयल है, ये देखिए, ये सिर्फ सैंड और कंपोस्ट से मैं तैयार करती हूँ। जी हाँ, इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, सॉयल का मैंने एक पार्ट भी इसमें ऐड नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ सैंड एंड कंपोस्ट है। 80% सैंड और 20% कंपोस्ट, ये दोनों को मिक्स करके ये प्लांट को मैं इसमें लगाई हूँ। सारे प्लांट्स को मैंने इसी तरह लगाया है। और ये प्लांट जो है मेरा, ये सबसे पुराना प्लांट है मेरा, 3 से 4 साल हो गए हैं ये प्लांट को, ये मेरे साथ में है। तो सॉइल तो इसका मैंने बता दिया, अब बात आती है इसको हम संभाल के रखने के लिए। इसका मेन जो हम की पॉइंट है वो है वाटरिंग। जी हाँ, हम अगर इसमें वाटरिंग डेली करेंगे तो ये प्लांट जो है, इसका जो ये कोडेक्स है, ये गलने लगेगा और प्लांट रूट रॉट होगा और मर जाएगा। तो आप देख सकते हो इसका जो मीडिया है मेरा, ये देखिए पूरा सूखा है। ये लगभग 1 महीने से मैंने इसमें पानी ही नहीं दिया है, फिर भी देखिए मेरे सारे प्लांट्स हेल्दी हैं और इसका जो कोडेक्स है फुल्ली टाइट है। इसका मतलब ये है कि कोडेक्स में पानी इसका मौजूद है। जब अगर इसको पानी का रिक्वायरमेंट होगा तो ये खुद हमको इंडिकेट करेगा कि इसे पानी चाहिए। वो कैसे हमको पता चलेगा? वो हमको पता चलेगा, इसका यही कोडेक्स है, ये कोडेक्स जो है ये श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो उससे पता चलेगा हमको कि प्लांट को पानी चाहिए। तो इसमें मैंने पानी लगभग 1 महीने से बिल्कुल इसमें मैं पानी दी ही नहीं हूँ। सिर्फ हफ्ते में 1 बार या 2 बार मैं इसमें ऊपर से ही शावरिंग कर देती हूँ। जैसे कि मैं अपने बाकी प्लांट्स में पानी देती हूँ, तो इनमें बस सिर्फ ऊपर से हल्के से शावरिंग कर देती हूँ, बस उतना ही इसके लिए काफ़ी है। और रही बात इसमें पेस्ट अटैक की, तो इसमें जल्दी पेस्ट अटैक होता नहीं है, पर फिर भी मैं 15 दिन में एक बार इसमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देती हूँ, ताकि ये सेफ रहे और हमारे साथ बना रहे। और एक बात, ये जो प्लांट है, इनको मैंने टेरेस से उठा के यहाँ अपने स्टेयरकेस के नीचे रख दिया है,
वो इसलिए कि अब यहाँ ओस बहुत गिरने लगे हैं और ओस इस प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता, जैसे कि ये प्लांट को फंगस अटैक बहुत जल्दी होता है। तो विंटर में इनको हमें ओस से बचा के रखना होता है और हमें फंगीसाइड इसमें स्प्रे करना पड़ता है। 15 से 20 दिन में मैं इसमें फंगीसाइड स्प्रे करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये प्लांट जो है फंगस अटैक इसमें बहुत जल्दी होता है। हाँ, इंसेक्टिसाइड का तो मैंने इसमें कभी कोई इशू देखा नहीं है, पर ये प्लांट में फंगस अटैक बहुत जल्दी होता है, तो बस फंगीसाइड का हमें इसमें थोड़ा सा स्प्रे करना पड़ता है ताकि ये सेफली हमारे साथ बना रहे। तो फंगीसाइड को मैं 10 से 15 दिन में या 20 दिन में एक बार इसके ऊपर स्प्रे ज़रूर कर लेती हूँ। तो अभी विंटर में हमें इसे नज़रअंदाज करना है, हमें इसका कुछ देखभाल करना ही नहीं है, बस जब आप बाकी प्लांट्स को शावरिंग करते हो या पानी वाटरिंग करते हो तब 15 दिन में 20 दिन में एक बार आप इसमें वाटरिंग या नहीं करके सिर्फ शावरिंग कर देंगे तो इसके लिए इनफ है। सॉइल इसका हमेशा ड्राई रहना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया अगर प्लांट को पानी चाहिए तो वो खुद इंडिकेट करेगा कि मुझे पानी चाहिए, तो उसके कॉर्टेक्स को जब हम देखेंगे तो उससे हमें पता लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बस छोटा सा एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैंने विंटर में इनको कैसे बचा के रखा। तो आगे मैं वीडियो इस पर बनाऊंगी जब मैं इनको रिपोर्ट करूंगी, कैसे इसको मैं रिपोर्ट करूंगी और किस तरह इसको मैं प्रून करूंगी, तो इसका वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सो मैंने किया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।